बिहार सरकार के निर्देश पर जिला अधिकारी गोपालगंज एवं जिला अधिकारी मोतिहारी ने संयुक्त रूप से बाढ़ग्रस्त इलाकों का हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया तथा साथ में मुख्य अभियंता भी शामिल रहे, जिसके बाद उन्होंने बताया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में पानी का बहाव कम हो गया है तथा जिन स्थानों पर बांध टूटा था वहां भी बहाव कम हो गया है। मुख्य अभियंता ने बताया कि जल्द ही मरम्मती का काम शुरू कर दिया जाएगा। पुष्पेंद्र कुमार सिंह, गोपालगंज। डर लग रहा था कि बहुत पानी घुसे वाले, क्योंकि पानी वहाँ घट गया, काफ़ी घट गया। यहाँ तक कि नीचे का वो जो घास का भी निकल गया और फ्लो नहीं ठीक, और निकल करके ये पानी बहुत बड़े एरिया में भी नहीं गया। उधर से तो नज़र आया, उसके हिसाब से हमें लगता है कि वो गिरतपुर और फैजुल्लापुर के ही एरिया में उससे ज़्यादा भी पानी यहाँ से नहीं निकल पाया और पानी का फ्लो भी नहीं है। कुछ इंजीनियर साहब भी साथ में थे, उनका लगता है कि तुरंत उसको कलेक्ट कर रहे हैं। देवापुर के पास जो टूटा है वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया, ज़्यादा 100 फीट के आसपास हो गया है, लेकिन पानी यहाँ पर भी घटा है, तो यहाँ पर भी बहुत जल्दी से काम शुरू हो गया है। और अंदर की बात है, जो देवापुर से पानी बहा है तो उन्होंने देखा कि चौड़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बीच से काफ़ी दूर तक हम लोगों का लगता है कि पूरा जिला से भी आगे पानी निकल रहा है। और बीच में जो गाँव वगैरह पड़ा कुछ हुआ अफेक्टेड है, लेकिन साइड में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा ही का पूरा बहुत ज़्यादा ये बना है। बीच में 5-7 किलोमीटर जो फैला है पानी, उसके बीच में जो गाँव है उसमें हम लोग पाया कि थोड़ा है, और थोड़ा सा उसका पानी उधर जा कर करके उस गलिया का कुछ एरिया में गाँव है वहाँ पे नजर आ रहा था, उसका रोड भी पानी स्थिति यही है जो लगता है। इसके आकलन से फ़ायदा हम लोग को होगा कि कहाँ कहाँ पर हमको क्या जरूरत है अपनी उसके हिसाब से। सर अभी कोई बांध भी टूटा है अभी? सूचना नहीं होता सर, तो नज़र भी नहीं आया कुछ ऐसा। एक बांध जो हमारा रिंग बांध था जो मेन, जिसे टूटने के पखा में जो टूटा था, उसी की वजह से आगे प्रॉब्लम है। तो पखा में जो है वहाँ पर अभी पानी अंदर घुस नहीं रहा, पानी वहाँ कम है, उसी कारण हम लगता है कि आगे भी जा करके पानी अब आगे नहीं बढ़ पा रहा, चूँकि पानी आ नहीं रहा। लेकिन मेन बांध में दो जगह जो टूटा हुआ है वो नज़र आ रहा है। तो अभी सबसे पहला काम है कि जो रिंग बांध टूटा उसको हम लोग रिपेयरिंग करना, पूरा तभी रिपेयर होने की स्थिति में भी है, चूँकि पानी बहुत ज़्यादा है।